वार्षिक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा की जा रही तैयारियां जिला कांगड़ा में चरमरा गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि उच्च शिक्षा विभाग कांगड़ा से इस बार कोई भी उड़नदस्ता परीक्षा केंद्रों की जांच करने नहीं जाएगा। विभाग ने तर्क दिया है कि उनके पास गाड़ी चलाने के लिए कोई चालक ही नहीं है। जिला कांगड़ा में नकल को रोकने के लिए उड़न दस्ता टीम को लेकर शिक्षा विभाग कांगड़ा व शिक्षा बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा विभाग कांगड़ा से इस बार कोई भी उड़न दस्ता परीक्षा केंद्रों की जांच करने नहीं जाएगा। विभाग ने ये तर्क दिया है कि उनके पास गाड़ी चलाने के लिए कोई चालक ही नहीं है। बार बार पत्राचार करने के बावजूद विभाग को चालक नहीं मिला है। वार्षिक परीक्षाओं के लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश में 1915 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें करीब 400 परीक्षा केंद्र कांगड़ा जिला में है। बड़ी बात यह है कि शिक्षा बोर्ड इस बात को सार्वजनिक करने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने किस जिले में कितने परीक्षा केंद्र बनाए हैं। स्कूलों के वार्षिक परीक्षा के प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं, बावजूद इसके बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की सूची विभाग को नहीं दी है और न ही विभाग ने इस संबंध में बोर्ड से समन्वय स्थापित करने की जहमत उठाई है। शिक्षा विभाग की गाड़ी का चालक अक्टूबर में सेवानिवृत्त हो गया, उसके बाद कार्यालय में गाड़ी यहीं खड़े खड़े धूल फांक रही है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर हरीश गज्जू ने कहा कि प्रदेश में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और परीक्षा से संबंधित सामग्री परीक्षा केंद्रों को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि नकल को रोकने के लिए SDM स्तर पर उड़नदस्ता टीमें तो होती ही है, लेकिन हर उपनिदेशक कार्यालय से 3-3 उड़नदस्ता टीमें गठित की गई है और इसके अलावा बोर्ड की अपनी टीमें भी गठित की गई हैं, जो कि अपने अपने जिले के परीक्षा केंद्रों में जाकर जांच करती है। एजुकेशन बोर्ड ने अपनी वार्षिक परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, खासतौर से जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हैं और बाकी कक्षाओं की भी जितनी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी आंसर शीट्स और एग्ज़ाम पेपर जो है सभी स्थानों पर भेज दिए गए हैं। और बोर्ड परीक्षाओं के लिए हर जिला में SDM कंसर्न और डिप्टी डायरेक्टर कंसर्न, उनके द्वारा एक एक जो है उड़न दस्ते बनाए गए हैं। इसके अलावा बोर्ड की तरफ से हर जिले में हर सब डिवीज़न पे एक उड़न दस्ता अपनी तरफ से बनाया गया है और बोर्ड की अपनी टीमें भी हर स्कूल में पूरी निगरानी रखेंगी ताकि किसी भी तरह की कोई भी कॉपिंग जो है इन स्कूलों में ना हो और बच्चे अपने एग्ज़ाम अच्छी तरह से दें। उसके अलावा लोगों की सहायता के लिए, बच्चों की सहायता के लिए, अभिभावकों की और जो लोग वहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं उनकी सहायता के लिए हमने बोर्ड में स्पेशल टीम गठित कर रखी है और सारे फ़ोन नंबर्स हम अखबारों में दे चुके हैं और दोबारा से एक बार देंगे ताकि किसी भी तरह की क्वारीज के लिए बच्चे कांटेक्ट करें। वहीं उच्च शिक्षा विभाग धर्मशाला के उपनिदेशक फ्लाइंग केवल कृष्ण शर्मा ने बताया कि उनके विभाग को परीक्षाओं में नकल रोकने का जिम्मा सौंपा गया है और इसके लिए निरीक्षण टीमों और उड़नदस्तों का गठन किया जा चुका है, लेकिन विभाग के सामने बड़ी समस्या ये है कि फ्लाइंग की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग को ड्राइवर मुहैया करवाने के लिए वित्तीय विभाग को प्रपोजल भेजा गया है और उम्मीद है कि परीक्षाएं शुरू होने तक फ्लाइंग टीम को ड्राइवर मिल जाएगा और परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण हो पाएगा। 31 अक्टूबर 2017 को जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन का जो ड्राइवर था वो रिटायर हो गया है, तो उसके बाद अब जहाँ तक ये गाड़ी हमारे पास एक तो है इंस्पेक्शन में, लेकिन वो उससे हम इंस्पेक्शन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे जो स्कूलों का भी जो एग्ज़ाम होने हैं। हालांकि हमने विभाग को जो है इसके बारे में अब अवगत कराया है, अब उसका जो है सेक्रेटेरिएट में कार्रवाई है इसके ऊपर। अगर वित्त विभाग से उसकी अनुमति मिल जाती है वाहन की, तब तो गाड़ियों की व्यवस्था अपना एग्ज़ाम का ठीक हो जाएगा काम, जो है जो एनुअल एग्ज़ाम है इंस्पेक्शन का। अदरवाइज थोड़ी सी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जो है, क्योंकि एक गाड़ी से इंस्पेक्शन की गाड़ी है और उससे संपूर्ण कार्य कर पाना जो है संभव नहीं है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरिपजीत निप्पी की रिपोर्ट।